हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर होम ब्रू इंडिया में। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आने के लिए बहुत शुक्रिया, और अगर आप जानना चाहते हैं ब्रूइंग और फर्मेंटेशन के बारे में और, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी मेरी नोटिफिकेशंस होंगी नई वीडियोज़ के बारे में, वो सब आप तक पहुँच पाएंगी और आप सबसे पहले वो वीडियोज़ देख पाएंगे। तो चलिए आज अपन बनाएंगे सबसे इजी, आज मतलब ये ऐसी एक ऐसी वाइन है जो आप शायद अपने घर में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ और सिर्फ 2 से 3 इक्विपमेंट के साथ आप अपने घर में बना सकते हैं। ये इतनी इजी है कि फर्स्ट वाइन के लिए मेरे ख्याल से ये सबसे इजी है। इसमें कोई ना तो ज़्यादा कोई फ्रूट से खेल है, ना इसमें ज़्यादा कोई नाटक है किसी भी फ्रूट को साफ करने के। ये इतनी इजी है कि आप सिंपली जाएंगे स्टोर से जूस खरीद के लाएंगे और उस जूस को फर्मेंट करके वाइन बना देंगे। तो ये इतनी इजी है कि आपको ये बनाने में भी बहुत आसानी रहेगी। ऑब्वियसली बात है, अगर बनाने में आसानी रहेगी तो पीने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अच्छा, जो कुछ भी मैंने इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप उनसे ख़रीदते हैं तो चैनल को थोड़ा सा फ़ायदा होता है। इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ग्रेप वाइन को। तो गाइस, ये वाइन इतनी सिंपल है कि आप बिना किसी मेहनत के आसानी से इस वाइन को एंजॉय कर सकते हैं। सीधे सीधे आप रियल के 2 टेट्रा पैक ग्रेप जूस के ले आइए। अच्छा, 2 टाइप के ग्रेप जूसेस आते हैं। एक होता है ये वाला ग्रेप जूस जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, एक होता है 100%, या तो वो रियल एक्टिव 100% आता है या फिर ट्रॉपिकाना 100% आता है। ये 2 ब्रांड्स सिंपली ग्रेप्स को स्क्वीज़ करती हैं और बॉटल के अंदर डाल देती हैं। ये जो ऑरेंज वाला पैक है, इनके अंदर यूजुअली वो थोड़े से शुगर्स और थोड़े से फ्लेवरिंग एजेंट्स डालते हैं, बट वो जो 100% है वो और आपको नेचुरल फ्लेवर्स देगा, वो और ज़्यादा प्योर है। थोड़ा सा मिलना मार्केट में मुश्किल होता है, बट अगर वो नहीं मिलता तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। आज हम बनाएंगे 2 लीटर वाइन, और उसके लिए सिंपली बिल्कुल आसान तरीके से अपन इन 2 टेट्रा पैक्स को एक जग में डाल लेंगे, क्योंकि अपन थोड़ी सी शुगर जब डिसॉल्व करेंगे, मैं चाहता हूँ कि अपन उसको गैस के ऊपर रख के डिसॉल्व करें तो ईजीली मिक्स इन हो जाएगी, ज़्यादा शेक नहीं करना पड़ेगा, मेहनत कम लगेगी। तो चलिए एक बार अपन इसकी ग्रेविटी चेक कर लेते हैं शुगर मिलाने से पहले। चीनी मिलाने से पहले अगर अपन ग्रेविटी चेक करेंगे तो इससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि हमें कितनी शुगर डालनी है आगे, और ज़्यादा मीठी ना हो और कम चीनी भी ना रह जाए। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी जब मैंने चेक करी बिना कुछ डाले तब आ रही थी 1.059। अच्छा गाइस, इसमें एक चीज़ और ये बात है कि इसकी 1.059 में आप मानिए कि 30-40% ऐसी शुगर्स हैं जो फर्मेंट नहीं होंगी, अनफर्मेंटेबल शुगर्स होती हैं। वैसे तो मैं इसमें 600 ग्राम शुगर डाल रहा हूँ 2 लीटर के हिसाब से, बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा जो एंड प्रोडक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया था। आप चाहें तो इसके अंदर सिर्फ 500 ग्राम शुगर भी डाल सकते हैं। अब चीनी को मिलाने के लिए बेस्ट तरीका मैं ये मानता हूँ कि अपन थोड़ा सा जूस लें और इस शुगर के साथ गैस पर रख दें और सबकी एक चाशनी टाइप सिरप बना लें। इससे ये होगा कि चीनी अगर पहले ही उसमें डिसॉल्व हो जाएगी तो अपने जब वाइन बनाने के लिए रखेंगे तो ज़्यादा शेक नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अच्छा गाइस, एक बात और, अगर आप रियल का 100% एक्टिव या फिर ट्रॉपिकाना 100% यूज़ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें अनफर्मेंटेबल शुगर्स होने के चांसेस कम हैं, तो शुगर आप और 500 ग्राम्स की जगह इनफैक्ट 400 ग्राम्स ही डालिएगा। तो चलिए गाइस, जूस को मैंने मिला दिया मेरी शुगर के साथ एक स्टेनलेस स्टील कंटेनर में। अब मैं इसको थोड़ी देर गैस पे गरम करके लाऊंगा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये थोड़ी चाशनी जो बन गई है ये अभी भी गर्म है। अगर मैंने इसी को डैमेजॉन में डाल दिया तो हो सकता है डैमेजॉन टूट जाए, या फिर अगर इसको मैंने सारे जूस के साथ डाल दिया और टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो हो सकता है यीस्ट मर जाए। इनफैक्ट मैं क्या करूँगा कि थोड़ा सा जूस लेके उसका यीस्ट स्टार्टर बना दूंगा, वो भी डैमेजॉन के अंदर, और जो बचा हुआ चाशनी है उसको मैं मेरे जग में डाल लूँगा बाकी जूस के साथ। इससे ना तो ये मेरे यीस्ट पे गर्म करेगा और ना मेरे डैमेजॉन को तोड़ने की रिस्क आएगी। तो गाइज, अब चलिए अपन जो अपनी शुगर सिरप बना था उसको अब अपन अपने जूस के साथ मिला देते हैं, और जैसा कि आप देखेंगे कि इसका कंटेंट थोड़ा सा बढ़ गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि शुगर ने अपना जो वाटर कंटेंट होता है, जो शुगर की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा हो गई, उससे अपने को टेक्निकली 2 लीटर की जगह 2.1 लीटर वाइन मिलेगी। चलिए गाइज, अब अपन अपनी एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं जो फाइनल जूस का है।
हाथ लगा के आप देख सकते हैं नॉर्मली कि ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि यीस्ट को डैमेज होगा। जब आपको लगे कि ये सही है तो आप सिंपली इसको पोर कर लीजिए अपने डेमिजॉन के अंदर। और अब पोर करने के बाद अपन अपनी फाइनल तो नहीं होगी गाइस, क्योंकि फाइनल ग्रेविटी होती है फर्मेंटेशन के बाद, बट अपन अपनी इनिशियल ग्रेविटी चेक कर लेंगे जो अब फर्मेंटेशन शुरू होने से पहले चलेगी। अच्छा गाइस, एक बात मैं बताना भूल गया, हर चीज़ सैनिटाइज्ड है। इनफैक्ट इस प्रोसेस में, इस वाइन में शुरू से ही हर चीज़ सैनिटाइज्ड है। अगर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है और आप अपना फर्स्ट ट्राई देना चाहते हैं अल्कोहल ब्रूइंग के लिए, तो कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ हो सकता है, आप घर में जैसे बर्तन साफ़ होते हैं उस तरीके से आप साफ़ करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सैनिटाइजिंग एजेंट खरीद लें, बट अगर आपको ये फर्स्ट ट्राई करना है, देखना है कि आपकी वो ये हॉबी कैसी लगती है, तो ठीक है, आप एक बार इसको बहुत अच्छे से धो लीजिएगा। अब अपन इसकी इनिशियल ग्रेविटी चेक कर लेंगे शुरू होने से पहले क्या अपने पास आती है। एक बार इसकी मैं ग्रेविटी लेने से पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगा, जिससे अगर जस्ट इन केस कोई शुगर ऊपर नीचे होएगी तो सब मिक्स हो जाएगी। और अब अपन लेते हैं इसकी ग्रेविटी। गाइस, इसकी जो ग्रेविटी अभी आई है फर्मेंटेशन से पहले वो आई थी 1.140। ये एक्चुअली में थोड़ी ज़्यादा ही शुगर हो गई है अपनी, इसलिए मैं आपको शुरू में बोला कि आप 500 ग्राम्स ही डालिएगा। एक्चुअली क्या होता है, अपन अभी ब्रेड यीस्ट यूज़ करेंगे तो 1.140 से वो ड्राई कितनी भी हो जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.050 से नीचे नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो ब्रेड यीस्ट है, उसकी एक अल्कोहल टॉलरेंस होती है 9-10% के बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो जा पाए, बट डेफिनेटली वो इतनी हाई नहीं जा पाएगी कि 1.140 से पूरी फर्मेंट कर दे। आप इसीलिए थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि शुरू के अंदर आप शुगर 500 ग्राम्स ही डालें। तो चलिए गाइस, अब अपन इस पर लगा देंगे एयरलॉक, और इसको फर्मेंट करने के लिए मैं छोड़ूंगा एटलीस्ट 5-7 days, इनफैक्ट 10 days भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो इनिशियल ग्रेविटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, फर्मेंट होने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। तो चलिए सिंपली एयरलॉक लगा देते हैं। एयरलॉक के ऊपर जो लिक्विड है वो सेम अपना सैनिटाइजिंग सॉल्यूशन वाला है, उसको लेके रख देते हैं। अच्छा गाइस, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप अपनी वाइन को थोड़ा सा डार्क जगह में रख रहे हैं और रिलेटिवली कूल टेम्परेचर्स में रख रहे हैं, ठीक है, तो उससे अच्छा फर्मेंटेशन होता है। डार्क जगहों पे अगर आप रखते हैं तो यीस्ट पे स्ट्रेस नहीं पड़ता, अंधेरे में अगर आप रखते हैं। इसको आप नॉर्मली किसी कपड़े से भी कवर कर लीजिए या किसी बॉक्स में रख लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि स्पिल नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए। तो चलिए गाइस, 10 दिन हो चुके हैं और इसमें मेरे को ज़्यादा सेडिमेंट दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको इंस्टेड ऑफ जग में पहले साइफन करने की जगह सीधा का सीधा बॉटल्स के अंदर ही साइफन कर दूंगा। इसमें रफली मेरे को, आप मान के चलिए, 2.1 लीटर्स वाइन एक्सपेक्टेड थी। इसको अपन कर लेते हैं एक बार साइफन। गाइस, बॉटल फिल करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बॉटल की जो नेक होती है उसके बहुत ऊपर तक भी नहीं बढ़ना है और उसके नीचे खाली भी नहीं छोड़ना है, खाली छोड़ने से ऑक्सीडेशन का डर होता है। गाइस, मैं इसकी फाइनल ग्रेविटी लेना भूल गया था डेमिजॉन से, तो कोई बात नहीं, मैं बड़ी बॉटल्स को साइड में कर दूंगा और जो मेरी टेस्टिंग वाली बॉटल है छोटी उसके अंदर से अपन करेंगे ग्रेविटी रीडिंग। तो चलिए गाइस, मैं थोड़ा सा सैंपल ले लेता हूँ और चेक करता हूँ कि फाइनल ग्रेविटी क्या आती है। मेरे को एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा स्वीट होगी ये वाइन, इसीलिए मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि इनिशियली आप जो शुगर लें वो कम ही लीजिएगा, मेरी ये गलती हो गई थी कि मैंने ज़्यादा ली थी। तो इसकी फाइनल ग्रेविटी आ रही है 1.066, रफली अराउंड अपने को 9% अल्कोहल, 9.5% अल्कोहल की रेंज में अपने को मिल रही है। हो सकता है कि इस पॉइंट पे आके यीस्ट स्ट्रेस आउट हो गया हो और अल्कोहल प्रोड्यूस करना बंद कर दिया हो। तो चलिए गाइस, अब अपन करते हैं अपनी वाइन को टेस्ट। इसको मैं एक ग्लास के अंदर ले लेता हूँ और ग्लास में लेने के बाद इसका कलर जैसा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, यंग वाइन है, थोड़ा एज करेंगे। बॉटल में भी अगर इनफैक्ट अपन छोड़ देंगे ना तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाती है। आप मान के चलिए इसको अगर आप अभी देख रहे हैं और इनफैक्ट एक महीने बाद देखेंगे तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस देख पाएंगे एक ट्रांसपेरेंसी में, इसकी क्लैरिटी में। तो इसका कलर वैसे तो बहुत वाइब्रेंट लग रहा है मेरे को, आगे जाके अगर इसको एज करने का मौका मेरे को मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए इसको नोज़ करते हैं, हल्का सा स्वर्ल कर लूँगा जिससे इसके सारे अरोमास खुल के ऊपर आएँ
और नोज करने में मेरे को स्वीटनेस तो आ रही है गाइस, लेकिन फ्लेवर जो क्रेप का है वो भी आ रहा है। इतनी स्वीटनेस है कि ब्रेड का जो यीस्ट का एक फ्लेवर है वो आना कम हो गया, और इनफैक्ट जो अल्कोहल का एक जो स्मेल होती है, एक जो शार्प स्मेल होती है, वो स्वीटनेस की वजह से दब गई। तो चलिए अब इसको करते हैं टेस्ट और देखते हैं कैसी बनी। तो गाइज़ ये एक डेजर्ट वाइन के हिसाब से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी वाइन बनी है। बट अगर आपको ये ड्राई वाइन पसंद है तो आप ट्राई करिए 100% ग्रेप जूस यूज़ करने का और थोड़ी सी शुगर कम डालने का। गाइज़ ये आपकी फ़र्स्ट वाइन के लिए बहुत ही अच्छा ट्राई है, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बताइएगा।